लोक आस्था का महापर्व छठ, और आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज नहाए खाए का दिन है। जहां एक तरफ पटना के गंगा घाटों पर तैयारियां चल रही है छठ को लेकर, वहीं दूसरी तरफ पटना जू प्रशासन के तरफ से भी एक अच्छी पहल की गई है। तस्वीरें हम आपको चिड़ियाघर के अंदर की दिखा रहे हैं, और यहाँ छठ को लेकर किस तरह से तैयारियाँ की गई है वो पहले आप एक बार देखिए। जी हाँ, जहाँ पे चिड़ियाघर में जो लोग घूमने आते थे, जहाँ पे बोटिंग होती थी, वहीं पे छठ पूजा करने के लिए बांस के बल्ले से बैरिकेड कर दिए गए हैं। यानी इस झील में आकर आप भगवान सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। एक अच्छी पहल इसे मानी जा सकती है जू प्रशासन के तरफ से, क्योंकि जो लोग हमेशा आते थे चिड़ियाघर में जहाँ पे बोटिंग करते थे, वही जगह, जी हाँ वही झील में इस बार छठ पूजा होने जा रहा है। तस्वीरें देखिए, यहाँ पे आपको बांस के बल्ले से जो डेंजर जोन है वहाँ तक बैरिकेड कर दिया गया है कि उससे आगे आप ना जाएं। फिलहाल यहाँ पे देखिए किस तरह से मिट्टी काट कर भी सीढ़ियाँ बनाई गई है कि लोगों को यहाँ पर जाने में, यानी झील के अंदर घुसने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। फिलहाल अभी ये जो काम है ये पूरा नहीं हुआ है, अभी काम चल ही रहा है। अगर बात करिए तो 8 दिनों से यहाँ पे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, और अभी भी ये तैयारियाँ पूरी तरह से नहीं हुई है। देखिए, आपकी जहाँ तक नज़रें जाएंगी ऐसे ही बैरिकेड किए हुए बांस के बल्ले से आपको जगह दिखाई दे रहे होंगे, और वहाँ पे ही जो लोग हैं जो छठ पूजा करने आएंगे, भगवान सूर्य को अर्घ देने आएंगे, तो वह यहाँ से ही दे सकते हैं। फिलहाल एक अच्छी पहल इसे मानी जा सकती है, लेकिन अब बड़ा सवाल यहाँ पे यह हो रहा है कि पानी की अगर बात करिए तो उतनी साफ सुथरी नहीं दिख रही है, गंदगी आपको दिखाई दे रही होगी। लेकिन एक और समस्या जो है वो यहाँ पे यह देखने को मिल रही है कि जो लोग आएंगे जो भगवान सूर्य को अर्घ देने आएंगे, तो उन्हें झील के अंदर प्रवेश करने में काफ़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि हम कैमरामैन से एक बार अपील करेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो पेड़ के बहुत सारे जटे हैं, या बात कर लिया गंदगी भी, आपको कीड़े मकोड़े भी यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो एक तरफ से जो पहल है वो तो अच्छी की कोशिश की गई है, लेकिन दूसरी तरफ तैयारियों को लेकर कोई खास तैयारी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, गंदगी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ख़ासकर सबसे बड़ी समस्या जो होगी, जो अगर जो झील के अंदर प्रवेश करेंगे तो इन सब तरह की जो जड़ें हैं, जो पेड़ की जड़ें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ईंट पत्थर जो है, यहाँ पे कीड़े मकोड़े भी, ये सब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो प्रवेश करने में काफ़ी समस्या हो सकती है। हालाँकि अभी ये जो काम है ये पूरी तरह से नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक के जो रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं उसे देख कर जो व्यवस्था है वो खास नहीं बताई जा सकती है। जी हाँ, ये ज़रूर है कि जू प्रशासन के तरफ से इस तरह की जो पहल की गई है वो काफ़ी सराहनीय है, लेकिन दूसरी तरफ जो व्यवस्थाओं की बात करिए तो कोई खास व्यवस्था यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि पानी भी बहुत ही गंदी दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ जो जड़ें हैं, जो ईंट पत्थर है, उससे भी लोगों को काफ़ी परेशानी हो सकती है जब वो भगवान सूर्य को अर्घ देने आए। तो हमारे साथ वो शख्स हैं जिन्होंने अभी इस पूरे कार्यभार को वो देख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? गणेश। गणेश जी, कितने दिनों से यह काम चल रहा है? 8 दिन से चल रहा है। 8 दिन से अभी तक क्या कुछ हुआ है? अभी तक मांस बल्ला उगराया है, इधर ढाप कटा रहा है। अच्छा, ये जो मिट्टी को काट कर सीढ़ियाँ बनाई जा रही है। अच्छा, ये बताइए साफ सफाई को लेकर वो काम कब तक होगा, क्योंकि गंदगी काफी देखने को मिल रही है अभी। सफाई हो रहा है और कर रहे हैं, सवेरे किए हैं फिर अभी करेंगे। अच्छा अच्छा, पानी की भी साफ सफाई? पानी की सफाई कल ये होगा, कल ये आज करेंगे। अच्छा अच्छा, और यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं ये सब क्या, ये सबको भी हटाना है, क्योंकि लोग आएंगे तो पर हटाना है। हाँ हटाना है, वही तो हटा रहे हैं। अच्छा, वही आप हटा रहे हैं, मतलब अभी काम बाकी है? हाँ बाकी है। कब तक पूरा हो जाएगा? कल परसों, कल खत्म हो जाएगा ये। कल ये काम आप लोग पूरा कर देंगे? कितने लोग अभी आप लोग काम कर रहे हैं? हम लोग अभी 8 आदमी हैं। 8 आदमी हैं, और कल तक ये काम आप लोग पूरा? ज्यादा आदमी रहेगा। अच्छा, ये बताइए चेंजिंग रूम, कपड़े बदलने की कितनी है यहाँ पे, क्या कुछ किया गया, कितने रूम है? कपड़े चेंजिंग वाला तो हम नहीं बनाए हैं, दूसरे लोग बना रहे हैं। अब कितने बनाए हैं उन्हें हमारा पता है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि साफ सफाई जो भी है सब कुछ कल सामने आ जाएगा। कल सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ आपको बता दें कि चेंजिंग रूम के लिए भी जो व्यवस्था है वो काफ़ी खास तरीके से की गई है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये वही चेंजिंग रूम है, और इस तरह के ही चेंजिंग रूम यहाँ पे 6-7 बनाए गए हैं, जहाँ पे जो भक्त हैं वो पहुँचे पूजा पाठ के लिए, तो यहाँ पर आकर कपड़े बदल सकते हैं। जी हाँ, इसी तरह के चेंजिंग रूम जो हैं वो जू के अंदर 5-6 बने हुए हैं। आपको बता दें, अगर
इस बार छठ पूजा की बात करिए तो इस बार कोरोना काल के बीच छठ पूजा भी होने जा रहा है, तो तमाम उन गाइडलाइन के अनुसार ही छठ पूजा किया जाएगा। जिस तरह से अगर कोई भी श्रद्धालु अंदर घुसते हैं तो उन्हें उनकी टेस्टिंग की जाएगी, इन तमाम चीज़ों पे खासा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि बिहार की अगर बात करिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण पर्व में से एक है छठ, और इसको लेकर काफ़ी हर्षोल्लास देखने को मिलता है, लेकिन इस बार भी कहीं भी हर्षोल्लास में कोई भी कमी देखने को नहीं मिली है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको HS बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।